पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उस वक्त स्थिति अजीबोगरीब हो गई जब नेता विपक्ष मनोज त्यागी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं होने के बावजूद बैठक में घुस आए और विपक्ष की आवाज दबाए जाने को लेकर हंगामा करने लगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद व स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य गीता रावत ने भी चेतराम मीना नाम के अधिकारी को निलंबित करने के बाद उसी पद पर बहाल किए जाने को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की डेस्क के पास आकर मामले पर जवाब की मांग को लेकर हंगामा काटा। गीता रावत ने आरोप लगाया कि चेतराम की बहाली के सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद खिलाफ है, इसके बावजूद उसे उसी पद पर बहाल कर दिया गया। कमिश्नर के जांच के आश्वासन के बाद बैठक की कार्रवाई जैसे ही आगे बढ़ी, नेता विपक्ष मनोज त्यागी बैठक में आ पहुंचे और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। साथ ही सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। देखिए, स्टैंडिंग में हंगामे का कोई मामला नहीं। हमारी पार्षद गीता रावत जी जो स्टैंडिंग में सदस्य हैं, बार बार इस मुद्दे को उठा रही हैं कि भ्रष्ट अधिकारी चेतराम मीणा को आपने ऐसी जगह पे लगा दिया जिस विभाग से उसको हटाया गया, जहाँ से सस्पेंड किया गया, दो बार सस्पेंड हो चुके हैं। एक बार डीसी नॉर्थ ने उनको हटाया था और स्पेशल नोट दिया था कि आप वेटनरी विभाग के कमरे में भी नहीं आएंगे, आप फाइलों को भी नहीं छुएंगे। और नेता सदन ने स्वयं उनको हटाने की मांग करी। स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन कंचन माहेश्वरी जी, उन्होंने लिखित में उनको हटाने की मांग करी। डॉक्टर रंगा जो डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी हैं, उन्होंने उनको अपॉइंट करने के लिए कारण पूछे कि आखिर इन इन कारणों से इनको नहीं लगाया जा सकता, इनको क्यों लगाया जा रहा है। उनको वो खुद जो स्वयं उनकी जो डेजिग्नेशन है वो यूडीसी की पोस्ट है, लेकिन उसके बाद उनको एमटीआई की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। लगातार उसका विरोध होने के बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब अलका जी एडिशनल कमिश्नर और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मुझे लग रहा है इसमें शामिल हैं, क्योंकि ना तो उनके भ्रष्टाचार से कोई उनको मतलब, ना किसी नेता के खिलाफ उनकी बदतमीजी करने के उनके व्यवहार से, ना डीसी से बदतमीजी करने के व्यवहार से। चलती हुई वार्ड कमेटी के अंदर तमाम पार्षदों से, सत्ता और विपक्ष तमाम पार्षदों से जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया था वार्ड कमेटी के अंदर, तब उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फेवर की जा रही है, उनका संरक्षण किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि निगम के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों की ज़्यादा वैल्यू है, जो काम करने वाले और जो मेहनती और जो ईमानदार कर्मचारी हैं उनकी वैल्यू कम है। निश्चित तौर पर इसी वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए ओपोजिशन पूरी तरीके से जनता का पक्ष रखने के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए लीडर ओपोजिशन के तौर पे मेरे को यहाँ पार्टी ने बिठाया है, और मेरे तमाम पार्षद लगातार इस तरह के भ्रष्टाचारों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। हम किसी भी हद तक इसको रोकने के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य नहीं होने के बावजूद मनोज त्यागी का बैठक में आने पर चेयरमैन सत्यपाल सिंह और सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया और सत्यपाल सिंह ने केयर टेकर और सुरक्षा गार्डों को जमकर फटकार लगाई। गुस्साए सत्यपाल सिंह ने मनोज त्यागी के खिलाफ डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही केयर टेकर को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।